बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थर्ड एक्सपेरिमेंट इन सर्विंग टू इज हॉरिजॉन्टल एंगल बाय थियोडोलाइट। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन टू लाइंस विद थियोडोलाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट्स आर ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्राइपॉड स्टैंड एंड ranging rods. The theory behind the experiment is the horizontal angle may be an angle between one survey line and a line adjacent to it, or the angle between the survey line and a fixed reference line called meridian. In the latter case, the angle is called the bearing of line. बेरिंग ऑफ लाइन मीन जब आप किसी फिक्स मेरिडियन सपोज नॉर्थ से किसी लाइन का एंगल फाइंड करते हैं तो वो उसकी बेरिंग होती है, दैट्स कॉल्ड द बेरिंग ऑफ लाइन। मे बी होल सर्कल बेरिंग, मे बी क्वाड्रेंटल बेरिंग, और आप होल सर्कल बेरिंग को क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। थियोडोलाइट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर दिस पर्पस। द स्टेप्स इन द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर लेट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स ओ ए एंड ओ बी इज टू बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू सर्वे लाइन्स, वन लाइन इज ओ ए and second one is OB, and you have to measure the angle between OA and OB, this one angle. Set the theodolite over the station O and adjust it accurately. आपने स्टेशन O पर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है और फिर इसको सेट करना है। जो थियोडोलाइट की सेटिंग है वो आप एक्सपेरिमेंट नंबर टू में कर चुके हैं। आपने स्टेशन ओ पर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, मींस उसकी सेंटरिंग और लेवलिंग करनी है। लूजन द अपर क्लैंप स्क्रू एंड टर्न द अपर प्लेट अंटिल द इंडेक्स ऑफ वर्नियर ए लीनियरली कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। आपने जो है वो अपर क्लैंप को लूज़ करना है, मीन अपनी थियोडोलाइट को हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है, और फिर इसको मूव करवाते हुए आपने स्टेशन ए की तरफ लेकर जाना है। फोर्थ स्टेप इज़ क्लैंप द अपर प्लेट एंड बाय यूजिंग द अपर टेंजेंट स्क्रू सेट द वर्नियर ए टू रीड 0 degree। अब आप जो है वो अपर क्लैंप को जो है जब आप स्टेशन ए पर पहुंच जाएं, फिर आप अपने अपर क्लैंप को जो हॉरिजॉन्टल जहां से मूवमेंट हो रही है उसको बंद कर दें और उसका टेंजेंट स्क्रू ओपन कीजिए जो उसके साथ फर्स्ट पर लगा होता है, उसके टॉप पर होता है। उसको मूव करवाने से माइनर रोटेशन हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होगी, उससे आप अपने स्टेशन ए को प्रॉपरली फोकस कीजिए और उसको एंगल को ज़ीरो कर दीजिए। प्रॉपरली ए को फोकस करने के बाद अब आप अपने एंगल को ज़ीरो ज़ीरो कर दीजिए। लूज द लोअर क्लैंप स्क्रू एंड स्विंग द टेलीस्कोप जेंटली अंटिल द लेफ्ट स्टेशन A is sighted and approximately bisect the arrow at station A. अब अगर आपकी जो टेलीस्कोप है वो आपके प्रॉपर A पर नहीं है तो आप लोअर क्लैंप को मूव करने से टेलीस्कोप को मूव कीजिए और प्रॉपरली इसे फोकस कीजिए स्टेशन A पर। Sixth step is accurately bisect the arrow at station A by using lower tangent screw. Same as जैसे आपने
अपर क्लैंप में फिक्स करने के बाद उसके टेंजेंट स्क्रू से माइंड रोटेशन की थी, ऐसे ही आप लोअर क्लैंप में स्क्रू को टाइट करने के बाद उसकी टेंजेंट स्क्रू से माइंड रोटेशन उसकी मूवमेंट कर सकते हैं, ताकि आप एक स्टेशन को प्रॉपरली फिक्स कर लीजिए। उस पर जो रेंजिंग रॉड लगा हुआ है उसके आप सेंटर को फोकस कीजिए। नाउ द सेवंथ स्टेप, अनक्लैंप द अपर प्लेट स्क्रू, टर्न द टेलीस्कोप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अनटिल द स्टेशन बी इज साइटेड अप्रॉक्सीमेटली बाइसेक्टिंग द एरो एट द स्टेशन बी। Now clamp the upper plate and bisect the arrow on station B accurately by using the upper tangent screw. Same ऐसे ही आपने जब एक बार इसको फोकस कर लिया स्टेशन ए को प्रॉपर एंगल 0-0 कर दिया, करने के बाद अब आप अपनी थियोडोलाइट को क्लॉक वाइज रोटेशन में मूव कीजिए और ले जाइए टूवर्ड्स स्टेशन B। अब स्टेशन बी पर जाने के बाद अपर क्लैंप टाइट कर दीजिए स्क्रू को और माइनर रोटेशन जो टेंजेंट स्क्रू है उसके थ्रू आप बी को प्रॉपर फोकस कीजिए, बाइसेक्ट कीजिए। नाउ टेक द रीडिंग, दिस विल गिव द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल एंगल ए ओ बी बिटवीन टू लाइंस ओ ए एंड ओ बी। अब जो रीडिंग आपको थियोडोलाइट पर नज़र आ रही होगी वो उनका हॉरिजॉन्टल एंगल होगा जो दो लाइंस हैं ओ ए एंड ओ बी। नाउ योर प्रैक्टिकल इज़ ओवर। थैंक यू।